हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ये एफर्मेटिव तथा नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इनकी पहचान इन वाक्यों में आदेश या सलाह दी जाती है और साथ ही साथ प्रार्थना की जाती है या फिर किसी कार्य को करने से मना किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव देख लेते हैं। जैसे कि हमें बोलना है यहाँ से चले जाओ, तो इसको अंग्रेजी में क्या बस कैसे बोलेंगे हम? गो फ्रॉम हेयर, गो फ्रॉम हेयर। जैसे हमें बोलना है मुझे एक पेन दे दीजिए, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन। दरवाज़ा खोल दो, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ओपन द डोर, ओपन द डोर। कृपया मेरे पास आओ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी। सदा सत्य बोलो, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। उसी तरह से नेगेटिव देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, फूल मत तोड़ो, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स। खिड़की मत खोलो, इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो। धूप में मत खेलो, अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? डोंट प्ले इन द सन, डोंट प्ले इन द सन। कभी झूठ मत बोलो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे? नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। वहाँ कभी मत जाना, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे? Never go there, never go there. Note, इन वाक्यों में मत के लिए do not या don't का प्रयोग होता है, कभी मत या कभी नहीं के लिए never का प्रयोग। कृपया या मेहरबानी करके please या kindly, हमेशा या सदैव के लिए always का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में let का प्रयोग भी होता है। जब वाक्य के अंत में जाने दो, खेलने दो आदि शब्द आते हैं ना, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य के शुरू में आओ या चलो शब्द आते हैं, तो लेट अस प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ ऐसे ही वाक्य देख लेते हैं। जैसे कि उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, क्या बोलेंगे? लेट हिम रीड। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। आओ पार्क में घूमें, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लेट अस वॉक इन द पार्क, लेट अस वॉक इन द पार्क। चलो नदी में नहाएं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लेट अस वॉथ इन द रिवर, लेट अस वॉथ इन द रिवर। कुछ और महत्वपूर्ण वाक्य देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास आइए, कम टू मी, खड़े हो जाओ स्टैंड अप, बैठ जाओ सिट डाउन, बाग में चले जाओ गो टू द गार्डन, अपना काम करो डू योर वर्क, मेरी सहायता करो हेल्प मी, पेड़ पर मत चढ़ो डोंट क्लाइम द ट्री, समय पर स्कूल जाओ गो टू स्कूल ऑन टाइम। ऐसे ही और वाक्य देख लेते हैं। जैसे कि नदी में मत कूदो, डोंट जम्प इन द रिवर, गाली कभी मत दो नेवर कर्स, गरीबों को मत सताओ डोंट हर्ट द पुअर, इसे पढ़ने दो लेट इट रीड, मीना को सोने दो लेट मीना स्लीप, मुझे किताब पढ़ने दो Let me read a book. अमित को रोने दो Let Amit cry. आओ मिठाई खाएं, Let's eat sweets.